हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं जाफू टेंपल। तो जैसा देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारा ये जो पेड़ वगैरह हैं, जंगल है, फुल हरा भरा जंगल है। हम इस रास्ते से आए हैं, उस रास्ते से आ सकते थे जहाँ से हम नॉर्मली आ सकते हैं पैदल, लेकिन वहाँ पे बंदर ज़्यादा है, हम वहाँ पे व्लॉग नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ के बंदर हैं ना, चोर हैं, डाकू हैं, ऐसे टाइप के बंदर हैं, वो कुछ भी छीन सकते हैं, चश्मे वगैरह, आपके फ़ोन वगैरह, ब्लूटूथ, बैग, कुछ भी। जैसा देख सकते हो मेरे को रास्ते में ये चश्मा मिला है, ये चश्मा ये बंदरों का करा धरा है, किसी बेचारे का चश्मा चुरा लिया उन्होंने और फिर कर दिया ये काम। तो इस वजह से हम इस रास्ते से आए हैं। अभी मैं दिखाता हूँ कि दूसरा रास्ता कहाँ से जाता है जाकू टेम्पल, जहाँ से मैं आया हूँ ये रास्ता जंगल का है, और जहाँ से नॉर्मल रास्ता है जहाँ टूरिस्ट वगैरह जाते हैं वो रास्ता दिखाता हूँ। आपको पैदल आना हो ना, टूरिस्ट वगैरह जो पैदल आते हैं वो इस रास्ते से आते हैं, लेकिन हमें ना, हम कच्चे रास्ते से आए हैं जंगल की तरफ से। ये है भाई मंदिर के साइड का नज़ारा, देख सकते हो आप, ये रास्ता है जो कि हमें मंदिर की तरफ लेके जाएगा। ये हमें यहाँ पे जाके उधर जाना है, तो चलो चलते हैं जाकू टेंपल। ये यहाँ पे कुछ खाने पीने का है, जाकू की मशहूर चाट। ये पार्किंग एरिया है, जो गाड़ी वगैरह से आता है ना, ये वो है। और ये मंदिर है, मंदिर का मेन गेट श्री हनुमान मंदिर जाकू। तो वो अंकल बैठे हैं, उनसे कुछ पूछेंगे। तो अंकल जी बताइए कुछ इस मंदिर के बारे में कि आपको कितने साल हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए। मेरे को तो ये 45 साल हो गया। 45 साल, अच्छा। यहाँ कुछ बना भी है या फिर सब कुछ पुराना ही है? नहीं, अब तो डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, पहले मंदिर था, मंदिर सिर्फ मंदिर था पहले, अब ये बना है ये मेन गेट। अच्छा, जैसे घूम के आती है गाड़ियाँ और ये पार्किंग यहाँ पे लगती है। तो चलो हम चलते हैं अभी मंदिर में, ये मंदिर का मेन गेट है भाई। चलो करते हैं, जय बाबा की बोल के करते हैं मंदिर के दर्शन। चल दिए भाई अब मंदिर की ओर। ये बंदरों का किया हुआ कुछ कांड लग रहा है, बड़ा मासूम पर है नहीं। आगे तो और बंदर मिलेंगे, ये जो ऊपर देख रहे हो ना छप्पर, इस छप्पर के ऊपर कूदते रहते बंदर। राम दुआरे तुम रखवारे हो, उतने आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रख सकता हो को डरना। ये हनुमान चालीसा है, पूरी हनुमान चालीसा इस पे लिखी हुई है इन बोर्डों पे, क्योंकि तो बहुत ऊंचा मंदिर है, तो थक सकते हो आप, इसलिए यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है। ये नीचे जो देख रहे हो ना, ये सारी शिमला है, तो शिमला से ऊपर पड़ता है जाकू टेंपल। जो रिज है ना, रिज से ऊपर है, ऐसा मान लो कि रिज की छत जाकू टेंपल है। यहाँ से आए हैं भाई हम, और हमें जाना है उतर। सामने आपदा आ चुकी है हमारे सामने, ये कूद गया इसके ऊपर ऐसे ऐसे चंचल बंदर हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। जय बाबा की। तो दोस्तों अब आप देखने वाले हो एक चमत्कार, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी मूर्ति नहीं देखी, इतनी ऊंची मूर्ति, वो भी एक पहाड़ के ऊपर हनुमान जी की। बनाने वाले के तो हाथ काट दिए होंगे यार, इतनी जबरदस्त मूर्ति बना रखी है। ये करीबन 108 फीट ऊंची है, जो कि जाकू मंदिर के टॉप पे है। नीचे शिमला है, ऊपर जाकू है, और जाकू से भी ऊपर 108 फीट ऊपर की ये मूर्ति है, देख सकते हो आप, क्या ही सीन है बॉस। अभी हम जाएंगे मंदिर की ओर, जो हनुमान जी का मेन मंदिर है वहाँ पे जाएंगे। रस है वहाँ पे, अभी देखो शाम के कुछ 5 बजे हैं, और 5 बजे टूरिस्ट्स की बहुत ज़्यादा भीड़ है, बंदर यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे, मंदिर तक आपको देखने को मिलेंगे बंदर। ये देखो भाई
बंदरों से लदा हुआ है यहाँ का वातावरण। इस साइड के एंगल है मंदिर के, तो जब भी हम जाएंगे ना मंदिर में मत्था टेकन, तो कैमरा नहीं ले जा सकते, फ़ोन नहीं ले जा सकते, वहाँ मनाएं। ये पानी पीने की जगह है और यहाँ पे आप जूते निकालते हो, यहाँ पे हम जूते निकालेंगे। तो दोस्तों जूते निकाल कर हम भाई अभी मंदिर की ओर जाएंगे। मंदिर में कैमरा नहीं ले जा सकते, फ़ोन नहीं ले जा सकते, इसलिए हम अभी कैमरा ऑफ करते हैं, मंदिर से आते हैं तब आपको दिखाते हैं। मंदिर में धोख मार ली भाई मैंने हमारे यहाँ पे ना हरियाणा में जब मंदिर में जाया करें और मत्था टेक क्या करा तो उसने धोख क्या करा, तो वो धोख वगैरह हमने कर लिए। यहाँ पे अगर मंदिर खुलता है ना तब तो भंडारा वगैरह लगता है यहाँ पे जाकू मंदिर में। ये एक छोटा सा पार्क है, बड़ा खूबसूरत, यहाँ पे फूल वगैरह देखो। हरियाली हरियाली हरियाली, अभी दिखाऊँ मैं आपको एक छोटा सा बागान, ये देखो फूलों के बागान है। ये हनुमान जी बैठे, बड़े शरीफ लग रहे हैं ना, ऐसे है नहीं यार, सच्ची बताऊं मैं बड़े बदमाश है, क्योंकि आते वक्त इतनी ज़्यादा छेड़खानी कर दी थी इनने हमारे साथ, जिससे तंग आके हमने फिर व्लॉग ही बनाना बंद कर दिया, फिर हमने यहाँ पे आके व्लॉग बनाया। तो ये देख सकते हो यहाँ की हरियाली। कृपया भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके जाइए, फिलहाल तो कोविड के चक्कर में भंडारा वगैरह सब कुछ ऑफ है। अखिल वो सोच के देख, बारिश जब आएगी तो कैसा माहौल हो जाएगा यहाँ पे। अभी मेरा दिमाग में कुछ नहीं चल रहा क्योंकि भूख लगी है। तो बैठ चुके हैं भाई हम आराम से, धोख वगैरह मार लिए, बड़े मजे आ रहे हैं सच्ची बताऊं कसम से। ऐसी जगह पहाड़ के ऊपर पार्क देखो कैसा लगेगा, सोच कर देखो पहाड़ के ऊपर पार्क कैसा लगेगा, तो वैसा ही फिलहाल मैंने लगन लग रहा है। तो भाई बारिश आ चुकी है, बारिश के टपके दिखाएंगे सर पे, ये देखो पूरा जाग गया। दोस्तों बहुत देर हो गई है भाई हमने घूमते फिरते, बड़ा सुकून मिला देख के, अब लग रही है बहुत ज़्यादा भूख और अब कुछ खाने जाओगे। तिप्पे साइड में होंगे आप, हम जा सके बीच में बैठ गए यार, देखो हमें नीचे जाना है ये बीच में बैठ गई, क्योंकि यहीं पे नीचे ना कैंटीन है एक, चलो हम साइड से चलते हैं। तू बैठी रहन हुए हम तो नीचे जावा हाँ बेटा, तो हम जा रहे हैं भाई नीचे, ये एक छोटी सी कैंटीन है यहाँ पे। अखिल कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? बहुत मजा आ गया। कितना मजा आ गया? नज़ारा कैसा था यहाँ पे? अभी फिलहाल है ना बारिश हो रही है भाई बाहर, और सोच के देखो पहाड़ पे हैं हम और बारिश हो रही है, और प्लस हम यहाँ पे लंच करने आए हैं, फिलहाल 4 बजे हैं तो लंच हमारा फिलहाल ही हुआ है यार, क्योंकि बहुत देर से घर से निकले हुए हैं ब्लॉग बनाने। तो भाई लंच वगैरह कर लिया, खाना वाला खा लिया हमने, अब चलेंगे घर पे। तो जाते जाते एक बार और मूर्ति दिखाता हूँ आपको यार, बड़ा सुकून मिलता है। ये देखो भाई
अभी टूरिस्ट ज्यादा आ चुके हैं, यहाँ पे रस हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत है चलने में तो आप उड़न खटोले से आ सकते हो इसके द्वारा, फिर इसके ऐसे ऐसे चल के आप मंदिर की तरफ जा सकते हो। ये कुछ नज़ारा भाई शिमला का। अभी तो यहाँ पे धुंध वगैरह बहुत ज़्यादा जम गई है तो नीचे के घर नहीं दिख सकते, बहुत नीचे है शिमला और हम शिखर पे बादलों के बीच। बहुत ठंडी हवा चल रही है सच्ची में, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है लिटिल बिट, थोड़ी थोड़ी बूंदे देखने को मिल गया। तो दोस्तों ये था भाई जाकू टेंपल और ये थे कुछ नज़ारे आपको दिखाए। तो भाई जिसने हमारी पिछली दो व्लॉग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं आप, इस शिमला के करीबन 8 या 9 व्लॉग बनेंगे। ये तीसरा व्लॉग था जाकू टेंपल का जो आपको दिखाया आज। तो कैसा लगा आपको, अगर आपको मज़ा आया हो, सुकून मिला हो तो लाइक कर देना ताकि हमारा हौसला बढ़ सके भाई, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दियो। तो मिलते हैं आपसे एक और व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।